हमारा देश भारत जाना जाता है उसके विविध प्रकार के खान पान के लिए। यहाँ दिन की शुरुआत ही लजीज पकवानों से होती है। हमारे देश के जिस भी हिस्से में आप जाएंगे, आपको वहाँ अलग अलग तरह के पकवान नाश्ते की प्लेट में ही मिल जाएंगे। जहाँ पंजाब जाने पर आपको पराठे या छोले भटूरे मिलेंगे, वहीं दक्षिण भारत में आपके दिन की शुरुआत होगी इडली डोसा से। जब बात खाने की हो तो पूरीज के शहर इंदौर का जिक्र किए बिना बात पूरी नहीं होगी। तो चलिए आज बात करते हैं पोहा जलेबी के बाद इंदौर के एक और ब्रेकफास्ट आइटम की, और ये है दाल पकवान। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जयश्री और आपका स्वागत करती हूँ लाइफ इज ब्यूटीफुल के एक और एपिसोड में। आज हम पहुंचे हैं सिंधी कॉलोनी और वहां पे आज हम टेस्ट करने वाले हैं दाल पकवान। यकीन मानिए, मैंने एक ही बार इनका दाल पकवान खाया है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा इस पे वो वीडियो बनता है। तो चलिए, अब जब डिश इतनी खास हो तो इसे बनाने वाले भी तो उतने ही खास होने चाहिए। तो इस तलाश में हम पहुंचे सिंधी कॉलोनी के घनश्याम दाल पकवान सेंटर पर। दाल पकवान का स्वाद लोग पिछले 55 साल से ले रहे हैं। इस दुकान को अब तीसरी पीढ़ी चलाती है। अपने नाम की ही तरह इसमें आपको रोजाना की आम दाल मिलेगी और साथ ही इसे खास बनाने वाला पकवान भी। दाल पकवान कॉम्बिनेशन है दो तरह की, मूंग दाल और पकवान का। यहाँ आपको मूंग की पीली और साबुत दाल दोनों मिलेंगी और इनका साथ निभाते हैं ये कुरकुरे पकवान। 20 रुपए की इस प्लेट में पकवान के ऊपर दोनों दालें मिलती हैं, जिसे सजाया जाता है प्याज मसाला और हरी मिर्च से। तो हो गया ना ये एक सिंधी पिज्जा। इनके दाल पकवान कितने मशहूर हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुबह होते ही यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। ऐसा नहीं है कि ये डिश सिर्फ इंदौर के लोगों का फेवरेट नाश्ता है। सिंधी कॉलोनी में इंदौर के बाहर से आकर रहने वाले स्टूडेंट्स भी दाल पकवान को खूब पसंद करते हैं। भारत में खाना केवल स्वाद तक ही सीमित नहीं है, ये आपकी यादों का भी एक खास हिस्सा बन जाता है। मेरा नाम अंकुर उपाध्याय है, मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे MBBS की पढ़ाई करने आया था, तो मेरा भी MBBS कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग फ्रेंड लोग थे तो ऐसे ही नाश्ता करने आते थे यहाँ पे, तो करीब 2 से 2.5 साल हो गए यहाँ पे आने के। और फिर बस अब घर जा रहे हैं, सब गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो ये बहुत याद आएगा सुबह सुबह। तो चलिए, मेरा दाल पकवान आ गया है। 20 रुपए की इस प्लेट में आपको बहुत ही लजीज, सबसे पहले तो पापड़ी मिलेगी जो मैदे की बनी होती है, साथ ही इसमें दो तरह की दाल होती है, मूंग की धुली हुई और मूंग साबुत। तो इन दोनों को ही साथ सर्व किया जाता है। इस एक प्लेट में आपको एक ही जो है पापड़ी मिलेगी और इसके साथ होगी दाल, दाल के ऊपर मसाले प्याज और साथ ही में मिर्च। चलिए इन्हें टेस्ट करते हैं। मैंने पहली बार जब इनकी पापड़ी खाई और ये दाल पकवान को टेस्ट किया मैंने, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यकीन मानिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची है और दाल बिल्कुल मसालों में एकदम सही है, ना उसमें ज़्यादा मसाले हैं ना बहुत कम मसाले हैं, जिस वजह से वो फीकी है। तो ये बहुत ही अच्छे हैं और साथ में इसके टेस्ट में ऐड करने के लिए आप खुद देख लीजिए किस तरह की बेहतरीन सजावट यहाँ पे इसकी की गई है। तो चलिए, मैं तो अपना दाल पकवान इंजॉय कर रही हूँ, आप भी हमारी वीडियो देखते रहिए।
लगा आपको हमारा वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप भी देख सके कि आप जैसे चटोरों को इंदौर शहर में कहां जाना है अच्छा खाना टेस्ट करने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइफ इज ब्यूटीफुल।